नमस्कार दोस्तों, आलोकन एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने ध्वनियों के बारे में पढ़ा था, ध्वनियों के बारे में हमने ये जानने की कोशिश की कि ध्वनियों का जो उच्चारण है वो कैसे होता है और उस उच्चारण में कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। आपने देखा कि हमने अगर उसको हम समराइज फॉर्मेट में कहें तो ध्वनियों के जो उच्चारण के जो मुख्य जो वाग्यंग है, अवयव है, वो 10 के आसपास होते हैं। उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि कई लोग जो है वो दो होठों की जो स्थिति है उसको न मान करके एक ही होठों की मानते हैं, दंतेष्ट की नहीं मानते हैं, तो ऐसे करके वो 8 से 11 के बीच में स्थिति उसकी वेरिएबल हो जाती है। आज हम इस क्लास में जो बात करेंगे वो स्वर ध्वनियों के बारे में बात करेंगे। और स्वर ध्वनियों के बारे में हम बात ये करेंगे कि स्वर ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है, उनके उच्चारण की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, और आप आज एक स्पेसिफिक जो फीचर है इस क्लास का वो देखेंगे, वो ये है कि आपको एक एक ध्वनि के उच्चारण की प्रक्रिया, उसकी विशिष्टताओं सहित हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं। अब अक्सर ये देखा जाता है, अक्सर ये पूछा जाता है, अक्सर ये सुना जाता है, सब लोग जब बात करते हैं क्लास में, जब टीचर बात करता है तो ध्वनियों के बारे में जब बात करता है तो कहते हैं ध्वनि क्या होती है, ध्वनि अ आ ई क ख ग घ होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि एक ए होता है तो वो क्यों होता है, आ होता है तो वो क्यों होता है। इसी तरह हमारी जो सारी की सारी जो 11 जो स्वर है हिंदी के, उन 11 स्वरों को एक एक करके उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, उसकी विशेषताओं के साथ, उसकी भाषिक विशेषताओं के साथ हम आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। और आखिर में जो हम बात करेंगे, अक्सर कई सारी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि जब हम डिक्शनरी फॉर्मेट में किसी शब्द को अगर उसमें वो रखते हैं तो कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, उसके लिए हम एक शॉर्ट मेथड आपके लिए लेकर के आए हैं, जिसमें आप डिक्शनरी या कोश से जुड़े हुए जो प्रश्न, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उसको आप ठीक से और एक्यूरेटली कर सकें। तो आज का हमारा जो लेक्चर का जो थीम है वो है ध्वनियों का जो है स्वर ध्वनियों का विभाजन। ये जो स्वर ध्वनियों का जो विभाजन है वो कैसे होता है, वर्गीकरण है वो कैसे होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ जो कि इधर वाइट वाले कलर में दिखाई दे रहा है। इसको आप देखेंगे तो इसमें एक जो है वो मुंह की आकृति बनी हुई है, मुंह की आकृति बनी हुई है, उसमें एक लाल कलर का जो है वो एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम को वस्तुतः भाषा विज्ञान की भाषा में या भाषा विज्ञान में इसको स्वर त्रिकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर त्रिकोण। ये जो स्वर त्रिकोण है ये विभिन्न स्वरों के उच्चारण की स्थिति को बताता है। और अक्सर मैं आपसे कई सारी क्लासेज में कह चुका हूँ, आज उसे फिर से दोहराने का समय है। अक्सर कई लोग जो नामचीन लोग अपने आप को मानते हैं, स्वनाम धन्य जो लोग अपने आप को मानते हैं, वो स्वरों के उच्चारण के स्थान के बारे में बात करते हैं। मैं आपसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ और हमेशा आगे भी यही कहूँगा कि स्वरों का उच्चारण स्थान नहीं होता है, स्वरों के उच्चारण की प्रक्रिया होती है, स्वरों के उच्चारण की विधि होती है कि वो किस विधि से, किस प्रक्रिया से, किस प्रयत्न से, किस मैनर से उच्चरित होते हैं। तो ये आप देखेंगे तो इसको आगे के हम डायग्राम्स में उसको और क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि आपको एक एक चीज़ को उसके बारे में बताया जा सके। सबसे पहले हम जब बात करते हैं हिंदी के स्वरों की तो ये पाते हैं कि हिंदी की जो उच्चारण की जो प्रक्रिया है उसके आधार पर दो समूहों में रखा जा सकता है, जो कि ध्वनियों के उच्चारण की जो नैसर्गिक जो प्रक्रिया है, प्राकृतिक जो प्रक्रिया है, स्वाभाविक जो प्रक्रिया है जो ध्वनियों के उच्चारण को वर्गीकृत करती है, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है शब्दाद की प्रक्रिया जिसमें एक बाधा उत्पन्न होती है, एक कहीं ग्रसण होता है, कहीं स्पर्श होता है, कहीं उसका दूसरा प्रक्रिया होती है, ऐसी उन प्रक्रियाओं के आधार पर स्वरों की जो है या ध्वनियों की जो उच्चारण की जो प्रक्रिया है उसको बांट सकते हैं। एक होती है शब्दाद जिसमें बाधा सहित होती है, मैंने आपको एक पहले भी क्लास में बताया था शब्दाद का मतलब है बाधा सहित।
एक होती है अबाध, अबाध का मतलब है बाधा रहित। ये बाधा सहित और बाधा रहित की जो प्रक्रिया है, ये ध्वनियों के उच्चारण में ध्वनियों का कैरेक्टर, ध्वनियों की प्रकृति, ध्वनियों का स्वभाव निश्चित करती है। और इस दृष्टि से हम देखते हैं तो एक उन वर्ग, उन ध्वनियों का वर्ग है जो उच्चारण के समय मुख विवर में वायु प्रवाह के लिए कोई विशेष अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, ऐसी स्थिति में स्वर ध्वनि। और दूसरे वर्ग में जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, उन उच्चारण के समय फेफड़ों से निस्तृत प्राणवायु किसी न किसी रूप में अवरोधित होती है, ऐसी ध्वनियों को हम व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। तो अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ हैं, उनके जो मुख्य जो अंतर है, सबसे गहरा जो इसमें अंतर है, वो अंतर ये है कि स्वर ध्वनियाँ होती है वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी घर्षण के, बिना किसी स्पर्श के उच्चरित होती हैं। और व्यंजन ध्वनियाँ हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधा उत्पन्न होकर के होती है, अवरोध उनमें हो सकता है, जो भी प्रक्रिया हो सकती है। वो जो व्यंजनों के हम जब बात करेंगे तो उसके बारे में हम आपको उसको तफसील से डिटेल में बताएंगे। अभी हम स्वर ध्वनियों की जब बात कर रहे हैं तो स्वर किसे कहते हैं? आमतौर पर ये परीक्षाओं में, चाहे वो आईएएस की एग्जाम हो, चाहे आरएएस की मेन परीक्षा हो, चाहे वो नेट जीआरएफ की एग्जाम्स हो, चाहे जो दूसरे एग्जाम्स हो, उनमें भी इस तरह के जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। डिटेल्स एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं और वस्तुनिष्ठ एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, या स्वर की विशेषताएं कौन सी है, या स्वर की विशेषताओं को मैचिंग करवाते हैं। इस तरह के जो विभिन्न तरह के जो प्रश्न हैं जिसमें हम बाद में बात करेंगे, वो उस तरह के प्रश्नों को शामिल किया जाता है। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के समय जीव धातों आदि के बीच कोई स्पर्श, घर्षण, अवरोध नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो फेफड़ों से आने वाली हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाती है, तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न जो ध्वनियाँ होती है वो स्वर ध्वनियाँ कहलाती है। आपको बिल्कुल इसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पैनिक लेने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी बात है, जो फेफड़ों से जो निकलने वाली जो सांस वायु है, जो प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन है, वो बिना किसी बाधा के अगर बाहर आ रही है तो वो स्वर है, और बाधा के साथ आ रही है तो वो व्यंजन है। उसकी जो दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। उच्चारण के लक्षणों की दृष्टि से हिंदी में 11 स्वर हैं। ये सवाल अक्सर बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हिंदी में जो स्वरों की स्थिति की संख्या कितनी है। तो परंपरागत रूप से जो हिंदी में जो स्वरों की जो संख्या है वो 10 मानी जाती है, पर एक स्वर जो ओ है, होल वाला या बोल वाला जो ओ है, वो अंग्रेजी से आगत आ गया है, अंग्रेजी जी से हिंदी में इस तरह से समाहित हो गया है कि वो वहाँ पर भी एक स्वर माना जाने लगा है। ऐसी स्थिति में 11 जो स्वर है हिंदी में, स्वरों की संख्या वो 11 होती है। इनको अगर आप काउंट करेंगे तो अ, आ, ई, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जा करके आपके 11 स्वर बनते हैं। इसमें 10 स्वर बनते हैं, और इसके साथ जो है आपको एक जो अंग्रेजी से आगत जो है ओ वाला, जिसको जैसे आप लिखेंगे होल, या इसका आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे हाल। हाल का मीन्स कंडीशन, और होल का मतलब बिग रूम, बड़ा कमरा। ऐसे आप लिखेंगे बाल, बाल मीन्स हेयर, और बॉल मीन्स गेंद। तो ये जो है, ये जब जहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट जब होता है, दोनों के बीच में जब अंतर होने लगता है, उसको हम व्यतिरेक कहते हैं। उसको आगे आने वाली क्लास में हम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें भी हम आगे जब स्वरों का जो वर्गीकरण है, स्वरों का जो वितरण है, उसको बताएंगे, तो इसमें इस चीज़ को और ज़्यादा स्पष्ट करेंगे। इनको स्वर चतुष्कोण के इस प्रकार अंकित किया जा सकता है कि स्वर ध्वनियों का उच्चारण गत विलक्षणों का विवरण इस प्रकार आता है। हम आपको, जैसा कि हमने क्लास के आरंभ में आपको बताया, क्लास के शुरू में हमने आपको बताया, उसमें आपसे ये कहा कि हम एक एक स्वर का, एक एक स्वर की जो विशेषता है, एक एक स्वर के जो उच्चारण की जो प्रक्रिया है, वो आपको हम बिल्कुल विस्तार से बताएंगे, और उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये जो व्हाइट वाला जो चार्ट है इसको आप देखें, और इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो हमारी जो हिंदी के जो स्वर हैं उनको, सारे स्वरों को हमने दिखाया हुआ है। इधर से हम शुरू करें तो ये ई एक, ये ई दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये दस,
और ये 11, ये जो सारे के सारे जो स्वर है वो हिंदी में उच्चारण की जो प्रक्रिया है उसमें आप इसको देख सकते हैं। मैं इस चार्ट के माध्यम से आपसे दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको पिछले डायग्राम में भी बताया, ये हमारा जो सारा का सारा जो वाइट वाला जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये मुंह के अंदर की स्थिति है जिसको हम स्वर त्रिकोण या स्वर चतुष्कोण बोलते हैं। कुछ लोग इसको त्रिकोण बोलते हैं क्योंकि इसकी जो लाइन है वो थोड़ी टेढ़ी होती है, कुछ इसको जो है चतुष्कोण बोलते हैं, पर इसमें उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये जो इसमें कोई भी चीज़ इसको आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है, ये आपके मुंह की स्थिति को बताता है। मुंह की स्थिति आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक ये इसकी चौड़ाई बताता है, ये एक इसकी ऊंचाई बताता है। चौड़ाई की दृष्टि से जब हम इसका आकलन करते हैं, जब इसका परीक्षण करते हैं, जब हम इसको वर्गीकृत करते हैं, तो हम इसमें पाते हैं इसकी जो चौड़ाई है उसके आधार पर इसके तीन भाग हैं। एक होता है अग्र, आगे का हिस्सा, एक होता है मध्य, बीच का हिस्सा, एक होता है पश्च, बाद का हिस्सा। ये तीन चीज इसकी स्थितियां बनती है। और जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो ऊंचाई में इसकी चार स्थितियां बनती हैं। एक होती है समव्रत, समव्रत का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया संकरा। एक होता है अर्धसमव्रत, उससे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा। एक होता है अर्धविव्रत, ये होता है इससे चौड़ा। और एक होता है विव्रत, ये सबसे चौड़ा। तो ये जो है मुंह के खुलने की स्थिति के आधार पर, मुंह के आकृति लेने की स्थिति के आधार पर इसकी जो स्थिति है वो कम ज़्यादा हो सकती है। और उसी आधार पर जो है स्वरों के विभाजन की प्रक्रिया जो है वो संधारित होती है। अब हम बात करेंगे कि ये जो स्वरों की जो स्वर जो धुनिया है हिंदी में, उनकी जो विशेषता है वो क्या है, कैसे एक स्वर उच्चरित होता है, कैसे एक स्वर दूसरे स्वर से भिन्न होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसमें देखेंगे उच्चारण के लक्षणों की दृष्टि से 11 स्वर प्रयुक्त होते हैं, ये आपको मैंने अभी आपको पिछले उसमें स्लाइड में गिनाया। और ये जो त्रिकोण या चतुष्कोण में अंकित किया जा सकता है स्वर ध्वनियों के उच्चारण और अभिलक्षणों का विवरण इस प्रकार है। आप सबसे ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले पाएंगे कि इसमें पहला है ई, बड़ा वाला ई जिसको आप कह सकते हैं। इसको ये जो आपने मैंने जो आपसे कहा कि जो हम डिक्शनरी में लिखने की जो प्रक्रिया है, कोश में इस तरह इसको किस तरह से लिखते हैं, उसको आप अगर उसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, कई जो अच्छी जो डिक्शनरीज हैं जो कोश है हिंदी के, उसमें हर चीज़ के उच्चारण का एक वो दिया हुआ है। और वो जो उच्चारण का जो प्रक्रिया है वो इस तरह से इन कोड वर्ड्स में दी हुई होती है, जिसको हम IPA बोलते हैं। ये आपके उसको समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये एक भाषा विज्ञान का टर्म है। इसमें आप देखेंगे ई में जो है वो सबसे ज़्यादा समव्रत होता है, मुंह की स्थिति जो होती है सबसे ज़्यादा संकरा होता है। ई हमारा जो पीछे का जो जिव्यामूल है, जिव्यामूल उस रास्ते को और संकरा कर देती है और उसकी वजह से जो है उसका उच्चारण होता है। ये अग्रस्वर है, ये जो मैंने आपको जो स्वर त्रिकोण जो बताया था, ये वाला स्वर त्रिकोण जो बताया था, इस स्वर त्रिकोण में इस आगे वाले हिस्से से उच्चरित होता है, इसलिए इसको अग्रस्वर बोलते हैं। ये दीर्घ है, इसमें जो बोलने की जो प्रक्रिया है, बोलने की जो सांस आने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी चलती है। ई तो ई जितनी लंबी प्रक्रिया चलती है उस स्वर को हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। फिर इसके नेक्स्ट जो इसकी जो प्रक्रिया है विशेषता है वो है अगोलाकार। होंठ जो होते हैं, होठों की जो स्थिति होती है वो गोल नहीं होती है, गोल ना होकर के वो थोड़ी फैली हुई होती है, अगोलाकार होती है, इसलिए ये इसकी एक विशेषता है। और एक इसकी अगली जो विशेषता है वो है सघोष, और इसको बोलते हैं दृढ़। दृढ़ मीन्स होता है हमारी जो मांसपेशियां हैं, हमारे जो कि मुँह की जो मांसपेशियां हैं उसको हम ई की अपेक्षा बड़ी ई को बोलेंगे तो हमें थोड़ा और ताकत लगानी पड़ेगी, और जोर लगाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में हम इस स्वर को हम दृढ़ स्वर कहेंगे। तो ये जो एक जो ई जो बड़ी हिंदी की जो ई है उसकी हम विशेषताओं की जब बात करते हैं तो उसमें हम छह विशेषताएं पाते हैं। ये छह विशेषताएं सारे स्वरों में हैं, और एक स्वर दूसरे से कैसे भिन्न होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इससे अगले वाले उसको देखते हैं, दूसरे नंबर पे जो है वो है ई, इसको छोटा वाला ई बोलते हैं, ह्रस्व ई बोलते हैं। इसमें देखिए ये समव्रत था, ये अर्धसमव्रत है, इसमें मतलब जो सकरापन है वो बिल्कुल क्लोज नहीं था, बिल्कुल छूने की जो स्थिति पे था पर छू नहीं रहा था। और ये जो दूसरी जो स्थिति है उससे थोड़ी ज़्यादा स्थिति है, यहाँ पे मांसपेशियाँ थोड़ी शिथिल हो जाती हैं, स्वरतंत्रियाँ थोड़ी शिथिल हो जाती है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था
कि स्वतंत्रियों की जो छह स्थितियां होती है उसमें ये जो स्थिति होती है ये कम अपेक्षाकृत पहले वाली जो स्थिति होती है उससे थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, थोड़ी सी ढीली होती है। ये भी अग्रस्वर है, ये जो स्वर है ये ह्रस्व स्वर है, ये इसको लघु स्वर कई लोग बोलते हैं, ये ह्रस्व स्वर है, ये भी अगोलाकार है, ये भी सघोष है और ये दृढ़ की जगह पर शिथिल है। अगर हम इन दोनों की आपस में तुलना करेंगे तो पाएंगे कि सारी दोनों की दोनों जो ध्वनियाँ हैं वो एक ही लगभग एक ही स्थिति में उच्चरित होती है, पर इनको अगर हम देखेंगे तो इनमें तीन जो पे है वो कंट्रास्ट है, तीन जगह पे जो है वो व्यतिरेक है। व्यतिरेक का मतलब ये है कि तीन जो जगह है, तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तीन जो विशेषताएँ हैं उन विशेषताओं के आधार पर पहला ई मतलब बड़ा ई छोटे ई से डिफर करता है, अंतर करता है। वो कौन कौन सी है तो आप देखेंगे, ये यहाँ समवृत है तो ये अर्ध समवृत है पहली, ये भी अग्रस्वर है, इन दोनों में मैचिंग कर रहा है। पर फिर ये दूसरी जो स्थिति है, ये दूसरी में ये दीर्घ है, ये ह्रस्व है, ये दोनों मैचिंग कर रही है, दोनों अगोलाकार है, दोनों सघोष है, पर ये चौथी स्थिति छठी जो स्थिति है इसमें ये जो है दृढ़ है, ये जो है थोड़ा सा शिथिल है। तो ये जो तीन पॉइंट्स में दोनों के बीच में अंतर आ रहा है उसको आप देख सकते हैं कि ई और ई में जो है एक ही पोजीशन में उच्चरित होने के बावजूद उनमें तीन विशेषताएं जो है वो व्यतिरेक की स्थिति पैदा करती है, तुलना की स्थिति पैदा करती है, और ऐसे में ये जो दोनों दुनिया दोनों स्वर जो है वो अलग अलग है। तीसरे नंबर पर जब हम आते हैं तो ए की बात करेंगे, ए में भी जो है उसको अर्ध संवृत है, अग्रस्वर है, दीर्घ है, अगोलाकार है, सघोष है, शिथिल है। ऐसे ही इसको अगर इसके नेक्स्ट वाला जो ए आई है इसको जब बात करेंगे, ये अर्ध संवृत है, अग्रस्वर है, दीर्घ है, अगोलाकार है, सघोष है। देखिए इन दोनों में जो है बहुत कम जो पहली जो ई और ई में जो तीन अंतर आपको दिखाई देने पड़ रहे थे, तीन विशेषताओं के अंतर दिखाई पड़ रहे थे, इसमें सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी है जो कि दोनों में अंतर कर रही है। वो अंतर कौन सा है? वो सिर्फ यहाँ पे आकर के, इस पॉइंट पे आकर के, बाकी सारी चीज़ें समान है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारी की चीज़ें समान है, पर ये यहाँ आकर के ये शिथिल है और ये दृढ़ है। ऐसे में ऐसी स्थिति में जो है दोनों में जो है अंतर हो जाता है। तीसरी जब हम बात करते हैं, पांचवी हमारी जो ध्वनि है वो ए है, जो एक कॉमन है, वो सारी भाषाओं में मिलता है। ये अर्ध संवृत है, मध्य स्वर है, ह्रस्व है, अगोलाकार है, सघोष है, शिथिल है। इसमें छठी जो ध्वनि है वो आ है, इसको हम विवृत मीन्स और चौड़ा होता है थोड़ा सा, मध्य स्वर है, दीर्घ है, अगोलाकार है, सघोष है और शिथिल है। ऐसे ही जब हम सातवीं ध्वनि की बात करते हैं, जो अंग्रेजी से आगत जो ध्वनि है, स्वर ध्वनि है, उसकी हम बात करेंगे तो ये वही अर्धविवृत है, मध्य स्वर है, दीर्घ है, अगोलाकार है, सघोष है, शिथिल है। ऐसे ही आठवें नंबर पे ऊ है, संवृत है, पश्च स्वर है, ह्रस्व है, गोलाकार है, सघोष है, शिथिल है, ये इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही जब बड़े ऊ की जब हम बात करेंगे तो ये इसमें आप देखेंगे ये संवृत है, ये पश्च स्वर है, ये ह्रस्व था, ये दीर्घ है, ये गोलाकार दोनों हैं, सघोष दोनों हैं, ये शिथिल है, ये दृढ़ है। तो इन दोनों के बीच में दो विशेषताओं का अंतर है। ऐसे ही ओ है दसवें नंबर पे, तो इसमें अर्ध संवृत है, पश्च स्वर है, दीर्घ है, गोलाकार है, सघोष है, दृढ़ है। ऐसे ही औ जो आप संयुक्त रूप से जिसको हम बोलते हैं, अर्ध स्वर है, पश्च है, दीर्घ है, गोलाकार है, सघोष है और दृढ़ है। तो इनमें अगर हम बात करेंगे तो जो है थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो है शिथिल है। अब हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, वो बात अक्सर ये एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी के जो स्वर हैं उसमें ह्रस्व स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं और प्लुप्त स्वर कितने हैं। तीन स्वरों की कैटेगरी की जाती है, एक जो होता है जिसको हम कम वायु के साथ बोलते हैं, ऐसी स्थिति में जो हिंदी में जो है विशुद्ध रूप से जो है वो ए, ई और ए, ये जो है सॉरी ऊ
ये तीन जो स्वर हैं ये ह्रस्व स्वर माने जाते हैं। फिर जब दीर्घ स्वरों की जब बात आती है तो जो दो संयुक्त स्वर है आओ इसके इसके बाद जो है ये जो दूसरे जो स्वर है वो दीर्घ स्वर माने जाते हैं। दीर्घ स्वरों में आप अगर गिनेंगे तो एक ई बच गया, ये दोनों दीर्घ ही माने जाते हैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो इसलिए तीन तीन आपके ह्रस्व हो गए। एक ये जो है ये दोनों दीर्घ हो गए, ये दोनों दीर्घ हो गए और ये इसमें ह्रस्व हो गया और ये भी दीर्घ हो गया। तो अगर आप दीर्घों को आप गिनेंगे तो दो तीन पाँच छः और दो आठ, आठ होते हैं वो दीर्घ होते हैं, आठ और तीन सॉरी सात, सात होते हैं वो दीर्घ होते हैं, और ये जो होता है आओ जो होता है इसको जो है वो प्लुप्त स्वर माना जाता है, संयुक्त स्वर माना जाता है। ध्वनियों के विभाजन के लिए भिन्न भिन्न मापदंड निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर स्वर व्यंजन ध्वनियों के निर्धारित मापदंडों को विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि एक एक जो ध्वनि है, एक एक स्वर ध्वनि है, उसका उच्चारण है वो कैसे होता है और उसमें उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसके आधार पर आप देखते हैं तो इसमें जो तीन स्थितियां मिलती हैं। पहली जो स्थिति मिलती है इसमें जो होती है जिव्या के व्यवहृत भाग की स्थिति के आधार पर, जिव्या का कौन सा भाग उसमें यूज हो रहा है, यूज होने से उसको छू नहीं रहा है, छूने की स्थिति नहीं है, पर वो जो भाग है वो उसके कौन सा भाग उठ करके उसको संकरा बना रहा है, रास्ते को छू नहीं रहा है, छूने की स्थिति जैसी नहीं है। तो ऐसी ऐसी स्थिति में स्वरों को दृष्टि में रख करके जिव्या के दो भाग उल्लेखनीय हैं, जिसमें पहला है जिव्याग्र की दृष्टि से, जिव्या के अग्र भाग की दृष्टि से, ये जिव्याग्र की जो स्थिति है, जिव्याग्र की दृष्टि से हिंदी में कुछ स्वर जिव्याग्र को कठोर तालु की ओर ऊपर उठने के से उच्चरित होते हैं। जो स्वर जिव्याग्र और कठोर तालु के सहयोग से उच्चरित होते हैं उन्हें जिव्याग्र को निगाह में रख करके अग्र स्वर कहते हैं। ये स्थिति जो होती है ये मार्ग को सकरा करती है, छूने की स्थिति नहीं होती है, छूने की स्थिति नहीं है तो वो उच्चारण स्थान नहीं बनाएंगे। ऐसी स्थिति में ई ई ए इसी कोटि के जो स्वर आते हैं। दूसरी जो स्थिति है उसमें जिव्या पश्च की दृष्टि से इसका एक वर्गीकरण किया जाता है, जो जिव्या के जो पिछला जो भाग है जो कोमल तालु के सहयोग से कोमल तालु के उसको थोड़ा पाथ को और सकरा कर देता है, उसकी स्थिति को देख करके जिव्या पृष्ठ की दृष्टि सामने आती है, और ऐसी स्थिति में जो स्वर उच्चरित होते हैं उसमें ऊ ऊ ओ और आ इसी कोटि के स्वर है। तीसरी जो स्थिति है उसमें जिव्या मध्य की स्थिति है कि जिव्या मध्य किस पोजिशन में रहता है, वो कितना ऊपर उठता है, इस दृष्टि से उसकी वर्गीकरण किया जाता है। जैसे जिव्याग्र और जिव्या पश्च के अलावा जिव्याग्र का पिछला भाग, जिव्या पश्च की का अगला भाग के मध्य का हिस्सा कठोर तालु के पिछले हिस्से की ओर ऊपर उठकर ए स्वर का उच्चारण करता है। इस प्रक्रिया में उच्चरित स्वर ए को मध्य स्वर कहते हैं। यहाँ पे आप यही ध्यान रखिएगा कि ये जो है स्पर्श की नहीं है, स्पर्श की स्थिति नहीं होती है, संवृत की स्थिति होती है, सकरे मार्ग को सकरा करने की स्थिति होती है, छूती नहीं है, छुएगी तो वो व्यंजन बन जाएगा। दूसरी जो प्रकार है उसके आधार पर आप देखेंगे तो जिव्या के विवृत भाग की ऊंचाई के आधार पर, ये तो विवृत भाग में कौन सा भाग उसमें उसके मार्ग को सकरा कर रहा है, अब कौन सा भाग किस ऊंचाई तक ऊपर उठ रहा है इसको भी ध्यान में रख करके स्वरों की पहचान की जाती है। स्वरों की पहचान का दूसरा पहलू ये है कि जिव्या के ये अवयव कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठते हैं, स्वरों के उच्चारण में जिव्या के भिन्न भिन्न भाग भिन्न भिन्न ऊंचाइयों तक ऊपर उठकर उनके उच्चारण में सहायक बनते हैं। जिव्या के विवृत भाग की ऊंचाई के आधार पर को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस आधार पर हिंदी में मिलने वाले सभी स्वरों के उच्चारण की प्रक्रिया में प्रभेदक विशेषता और परिपूरक वितरण को प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रभेदक विशेषता मतलब जब हम ध्वनि और स्वनिम के बीच में बात करते हैं, स्वन और स्वनिम के बीच की बात करते हैं, स्वनिम जो होती है हमारी एक मानसिक इकाई होती है जो कि हमारे अर्थ की सृजना करती है, अर्थ को जनरेट करती है, और ऐसी स्थिति में जो ध्वनियों का जो वितरण है उसका व्यतिरेक है उसको देखा जाता है, और वो व्यतिरेक जो है वो तीन तीन जगह पर मिलता है, जिसको हम
अंग्रेजी में इनिशियली, मीडियली, फाइनली बोलते हैं, हिंदी में उसको आदि, मध्य, अंत बोलते हैं, और उस स्थिति के आधार पर उन स्वरों में या उन ध्वनियों में जो है विभेद किया जाता है, अंतर किया जाता है। पहला जो है वो है ई। ई के उच्चारण की प्रक्रिया को देखिए आप, ये जो विशेषता है ये आप पहले देख चुके हैं, संवृत होता है, अर्धस्वर है, दीर्घ है, अगोलाकार है, सघोष है, दृढ़ है। ये छह जो विशेषताएं आपको बताई है, ये विशेषताएं किस तरीके से एक रूप होकर के उस ई का उच्चारण करती है जो हिंदी में बड़ी ई मानी जाती है, तो ये इसकी उच्चारण की प्रक्रिया है। ये आपको आज तक कहीं भी आपको एक एक्सक्लूसिव तौर पे कहीं नहीं मिलेगा कि एक एक ध्वनि के उच्चारण की प्रक्रिया को कोई बताए। ये आपके सामने पहली बार हम उसको लेकर के आए हैं कि देखेंगे कि हिंदी में जो है वो एक एक ध्वनि के उच्चारण, एक एक स्वर ध्वनि के, एक एक व्यंजन ध्वनि के, ऐसे ही हम जैसे स्वरों का विवरण आपके सामने लेकर के आए हैं, ऐसे ही व्यंजनों का विवरण भी हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो ये जो है ये अग्र, संवृत, दीर्घ, अगोलाकार स्वर है, इसके उच्चारण में जीभ के अगले भाग का मध्यांश ऊपर की ओर उठता है, ये इसकी विशेषता है। जीभ का जो मध्य भाग है, मध्य का जो हिस्सा है, वो ऊपर तालु की ओर उठता है, और तालु की ओर उठने से जो है वो पात को थोड़ा सकरा बना देता है। ऐसे ही स्थिति में होठों की स्थिति उदासीन होती है, फैली हुई रहती है, अर्थात होठ अगोलाकार स्थिति में रहते हैं। जीभ की नोक जो होती है, जिव्या नोक जिसको हम बोलते हैं, जिव्या नोक नीचे की ओर दांतों से लगी रहती है, और उच्चारण के समय तनाव रहता है, दृढ़ स्थिति होती है, क्योंकि किनारों की ओर होठों से खिंचाव रहता है। विवरण की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसकी तीन स्थितियां मिलती है, और ये जो तीन स्थितियां हैं ये इसमें आप देखेंगे। आदि मैंने जैसे आपको बताया था कि इसको हम जब विश्लेषित करते हैं तो हम पाते हैं इसमें आदि, मध्य और अंत, ये इनिशियली, मीडियली, फाइनली जो तीन स्थितियां मिलती है। इसमें आदि का मतलब इसका प्रयोग सब पहले आ रहा है, शुरू में आ रहा है। मध्य का मतलब इसका प्रयोग बीच में आ रहा है, ई आपका आ रहा है भैया। अंत का मतलब ई जो है वो लास्ट स्थिति में आ रहा है, ई कई। इस तरह से जो वितरण होता है, इन वितरण के आधार पर ध्वनियों का जो है स्वन और स्वनिम के बीच की प्रक्रिया का निर्धारण होता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ई जो ध्वनि है, ई जो स्वर है हिंदी में, बड़ा ई जो है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसके आधार पर, उसकी उच्चारण प्रक्रिया के आधार पर उसकी जो स्थिति बनती है, जैसा कि आपको बताया कि ये संवृत होता है, अग्रस्वर है, दीर्घ है, अगोलाकार है, सघोष है, उद्दृढ़ है। ऐसे ही हम दूसरा जो स्वर है हिंदी का, जिसको हम छोटी ई के रूप में जानते हैं, उसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें पाते हैं कि ये जो इसका जो उच्चारण है वो पहले वाला जो ई है, बड़ा वाला जो ई है, उससे थोड़ा सा अंतर रखता है। और ये जो अंतर है, अंतर की जो प्रक्रिया है उसको आप देखेंगे तो इसकी उच्चारण की प्रक्रिया बताती है कि इसके उच्चारण में जिव्या मध्य तालु की ओर ऊपर उठता है, जीभ की ऊंचाई संवृत से अर्धसंवृत की ओर रहती है, पहले वाले में संवृत रहती है, मीन्स बिल्कुल सकरा पात होता है। उसके बाद इसकी जो स्थिति होती है उसमें जो पात है वो थोड़ा सा ओपन हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप देखते हैं तो पाते हैं कि जीभ के अगले हिस्से का पिछला हिस्सा ऊपर की ओर उठता है, ये लगभग मध्य भाग के समीप होता है, होठों की स्थिति फैली हुई होती है, जीभ की नोक, जिव्या नोक दांतों के पीछे लगी रहती है, इसको अग्र, संवृत और ह्रस्व स्वर कहते हैं। ऐसी स्थिति में इसको अगर हम वितरण की दृष्टि से देखते हैं तो इनिशियली, मीडियली, फाइनली, आदि, मध्य और अंत की स्थिति में इसको देखते हैं तो ई, इन, की, किन, गति में ई, ये जो है आप अगर इसको लिखेंगे, जो मैं आपको बता रहा था गति लिखेंगे तो ये पीछे आएगा, किन किन लिखेंगे हिंदी में तो हिंदी में वो है ये बीच में आएगा। ये इस आधार पर इसको किया है क्योंकि हिंदी में जो मात्राओं का संधान है, मात्राओं की जो प्रक्रिया है वो आगे पीछे और बीच में लगती है, इसलिए उसमें उसको उतना स्पष्ट तरीके से, उतना उसको सुस्पष्ट तरीके से नहीं दिखाया जा सकता, इसीलिए उसमें हम IPA का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्थितियों को देखते हैं, दिखाने के लिए, ये स्थिति को लिखने के लिए ये IPA का हम इस्तेमाल करते हैं, और ये IPA के आधार पर उसका हम विवरण प्रस्तुत करते हैं। तीसरी जो इसकी जो ध्वनि है स्वरों में वो है ए। अर्धसंवृत होता है, जो हम पहले आपको बता चुके हैं, अग्र होता है, दीर्घ होता है, अगोलाकार होता है, सघोष होता है, शिथिल होता है। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे इसकी जो उच्चारण प्रक्रिया है,
इसकी उच्चारण प्रक्रिया में ये अर्धसंवृत दीर्घ अगोलाकार स्वर है। जीभ की ऊंचाई की दृष्टि से इसका स्थान अर्धसंवृत या अर्धवृत्त से तनिक बीच में है, जो ऊपर की ओर अधिक है। इसके उच्चारण में जिव्याग्र ऊपर उठता है, होंठ फैले हुए रहते हैं, उदासीन होते हैं, इसलिए अगोलाकार रहते हैं। शब्द की स्थिति में ये तीनों स्थितियों में प्रयुक्त होता है, जिसको हम आदि, मध्य और अंत में पाते हैं। एक में ए, मेल में भाई आप मेल लिखेंगे तो ई लिखेंगे, और नए में लास्ट में ई। ये इस तरह से इसका वितरण पाया जाता है। चौथी जो स्वर ध्वनि है वो ए है, आई है, जो कि अर्धविवृत है, अग्रस्वर है, दीर्घ है, अगोलाकार है, सघोष है, दृढ़ है। चयन की प्रक्रिया की उच्चारण की प्रक्रिया की दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं ये अग्रस्वर है, अर्धविवृत है, दीर्घ है, अगोलाकार है, दृढ़ स्वर है। इसके उच्चारण में जिव्याग्र अपेक्षाकृत निम्न स्थानीय है। दोनों किनारों की ओर फैले हुए रहते हैं। परिपूरक वितरण की दृष्टि से इसको देखते हैं तो हम इसका इनिशियली, मीडियली, फाइनली, अंत, आदि और अंत में जो हम देखते हैं तो एब, बैल, हे, ये इस तरह से इसका जो है उच्चारण पाया जाता है। इस तरह से इसे उच्चारण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। आगे हम इस पर जब बात करेंगे आपसे तो पांचवी जो ध्वनि है, स्वर ध्वनि जो है, उसको अगर हम देखेंगे तो पाएंगे आप कि इसमें जो है ए है, जो नेचुरल ध्वनि है, जो मैं आपको पहले भी बता रहा था, अर्धविवृत है, मध्य स्वर है, ह्रस्व है, अगोलाकार है, सघोष है, शिथिल है। ये जो सवाल इस तरह से, जो मैं आपको एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कोई भी मिस करके आपसे पूछ सकता है कि भाई इसमें से ये कैरेक्टरिस्टिक इसको अगर मैच हो जाती है तो ये किसकी है। तो इस तरह के सवाल भी वस्तुनिष्ठ जो आपके जो सवाल है उसमें आते हैं, इसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। उच्चारण की प्रक्रिया में अगर हम देखते हैं तो ये अर्धविवृत है, मध्य स्वर है, अगोलाकार है, शिथिल है। इसके उच्चारण में जिव्या मध्य का केंद्रीय स्थिति में से पीछे की ओर खिंचा रहता है। इस स्वर के विभिन्न संस्वरों में जीभ अर्धसंवृत के बीच रहती है और होंठ उदासीन, अगोलाकार स्थिति में रहते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन रहती है, निरनुनासिकता की वजह से शिथिल अवस्था में उच्चरित होता है। ये स्वर शब्द की सभी स्थितियों में प्रयुक्त होता है और देवनागरी लिपि में इसके लिखने की अवस्था को देखा जा सकता है। और ये इसको देखेंगे आ, आदि में अब, मध्य और अंत में नब। इसमें जो एक जो ध्यान देने की जो बात है वो देवनागरी लिपि की जो बात मैंने जो यहाँ पे की है, ये यहाँ देखने की स्थिति इसलिए है कि देवनागरी और रोमन में हम जब तुलना करते हैं तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि जो रोमन लिपि से ज़्यादा वैज्ञानिक मानी जाती है। और उसके पीछे जो की जो कारण है उसमें से सबसे बड़ा एक कारण ये भी माना जाता है कि जैसे आप लिखेंगे हिंदी में, अंग्रेजी में लिखेंगे राम, तो ये अंग्रेजी में राम हो गया। पर अगर मान लीजिए ये हिंदी में इसको आप देखेंगे तो आप ये रम होगा, इसका जो उच्चारण है र, ए, मैं और ये यहाँ पे अलंत, और अगर पूरा है तो ये है। ये जो चार जो ध्वनियाँ हैं इसमें जो है मिक्सिंग है, ये जो मिक्सिंग की जो बात कर रहे हैं हम, ये ए ध्वनि का ही जो है वो है। अब अगर इसको रोमन लिपि में आप लिखेंगे तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, और अगर राम के लिए अगर रोमन लिपि में लिखना है तो फिर आप इसको डबल ए करके लिखना आपको पड़ेगा, तब जा करके अंग्रेजी में ये राम बनेगा। पर ये लिखने की ऐसी स्थिति नहीं है। ये ऐसी स्थिति इसलिए नहीं है क्यों, देवनागरी लिपि में जो है वो वर्णों के साथ आ मिला हुआ है। अगर नहीं, जिस वर्ण के साथ आ नहीं मिला हुआ होता तो उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो ये जो देवनागरी और रोमन जो लिपि है उसमें लिखने की जो प्रक्रिया है उसमें ये अंतर है, और इसी वजह से जो देवनागरी लिपि है वो रोमन लिपि से ज़्यादा साइंटिफिक मानी जाती है। तीसरा, इस संदर्भ में जो कुछ नियम जो यहाँ पे हम बना सकते हैं, ये है कि ये और वह जब स्वनियमों के साथ आता है, अंत में आता है, तो व्यंजन गुच्छों में ए उच्चरित होता है और वर्तमान में भी हो रहा है। वे शब्द जिनके उच्चारण में या तो धीमी गति होती है या उच्चारण के बाद तनिक विराम होता है, वह अंत ए का उच्चारण विद्यमान होता है। जैसे हम राम में बोलते हैं तो मैं पूरा बोल रहे हैं, अगर आप मान लीजिए कई बार ऐसी स्थितियाँ बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं सत्यम,
तो सत्यम में नीचे जो है हम एक हलंत लगाते हैं, ये जो सत्यम है और ये जो राम का जो माँ है, इन दोनों की उच्चारण की स्थिति में फर्क है, ये इसी स्थिति के लिए नियम बनाया गया है। तीसरा इससे जो संबंधित नियम बनता है, वे शब्द जिनके अंत में स्वनिम महाप्राण होता है वहाँ अंत ए का अस्तित्व होता है। जैसे जितने भी महाप्राण है, ख, ये जो महाप्राण की जो ध्वनियाँ हैं उसमें ये ए है, वो कहीं भी महाप्राण ध्वनियाँ हलंत में नहीं लिखी जा सकती है। ऐसे करके हम इसको जब देखते हैं तो इसकी छठी जो स्थिति है उसमें पाते हैं आ, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं, वो विव्रत है, मध्य स्वर है, दीर्घ है, अगोलाकार है, सघोष है, दृढ़ है। उच्चारण की प्रक्रिया को जब हम देखते हैं, जब विश्लेषित करते हैं तो पाते हैं कि ये विव्रत स्वर है, मध्य है, अगोलाकार है, दीर्घ है, दृढ़ है। इसकी उच्चारण की प्रक्रिया को विस्तार से जब देखते हैं तो पाते हैं कि जीभ की ऊंचाई की दृष्टि से ये पूर्ण विव्रत है, मुँह पूरा खुला हुआ है। उच्चारण में जिव्या के पश्च भाग का मध्य भाग ऊपर उठता है, होठ उदासीन और फैले हुए रहते हैं, जीभ की नोक दांतों के समीप रहती है। सभी स्थितियों में इसका प्रयोग होता है, आदि, मध्य और अंत में, जैसे आम, नाम, खाना। ऐसी सातवीं जो ध्वनि है, सातवां जो स्वर है वो ओ है, जो कि मैंने आपको अंग्रेजी से आगत बताया था। और इसमें इसको देखेंगे आप तो ये अर्धविव्रत है, पश्च है, गोलाकार है, दीर्घ है, सघोष है, दृढ़ है। इसके उच्चारण की प्रक्रिया को आप देखेंगे तो इसमें जो आ और ए है उसमें जो होठों की जो स्थिति होती है वो थोड़ी अलग तरीके से होती है, वो गोल नहीं होती है, और इसमें जो होती है वो गोल होती है, लगभग गोल होती है। ऐसी स्थिति में हम पाते हैं कि इसकी जो उच्चारण की जो प्रक्रिया है, इस उच्चारण की प्रक्रिया को जब हम देखते हैं तो इसमें अर्ध विव्रत दीर्घ गोलाकार स्वर है, इसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है, अंग्रेजी से हिंदी में आगत ध्वनियों की भांति इसको स्वर माना जाता है। शब्द की सभी स्थितियों में इसका प्रयोग होता है, कितना तो अत्यल्प होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, आदि में ओल, मध्य में होल और अंत में लो। ऐसे ही अगला जो स्वर है उसमें यू ऊ है, ऊ को समृत, पश, ह्रस्व, गोलाकार, शिथिल, सघोष मानते हैं। इसकी उच्चारण की प्रक्रिया को जब हम बात करते हैं तो ये स्वर पश्च ह्रस्व है, जिसके उच्चारण में जिव्या पश्च का अगला भाग समृत अर्ध समृत के बीच की स्थिति में होता है और ओटो की स्थिति गोल रहती है। ऐसी स्थिति में जो है इसका उच्चारण तीनों स्थितियों में मिलता है, आदिमय, मध्य में, अंत में, उन, चुन, वसु। नवा जो आपका जो स्वर है वो ऊ है, जिसको हम समृत पश्च दीर्घ गोलाकार दृढ़ सघोष बोलते हैं। इसकी उच्चारण की प्रक्रिया को जब हम देखते हैं तो ये पश्च स्वर है, समृत है, दीर्घ स्वर है, जीभ की ऊंचाई में लगभग समृत रहती है, जीभ का पिछला हिस्सा ऊपर ऊपर ऊंचा उठता है, होठों की स्थिति जो होती है वो बंद सी होती है, गोलाकार होती है, जीभ की नोक नीचे के दांतों के पास रहती है। ये स्वर अपेक्षाकृत दीर्घता के साथ गुणीय भेद में भी है और शब्द की तीनों स्थितियों में इसका प्रयोग होता है, जिसको हम आदि, मध्य और अंत में, ऊंट, दूर, स्वंभू, इस तरह के जो शब्दों में इसका इस्तेमाल होता है। दसवां जो स्वर है वो ओ है, जिसको अर्धसमृत बोलते हैं, पश्च बोलते हैं, दीर्घ गोलाकार, सघोष, दृढ़। इसकी उच्चारण की प्रक्रिया पर जब हम बात करते हैं तो ये पश्च स्वर है, अर्ध स्वर है, दीर्घ स्वर है, जीभ का पिछला भाग ऊपर उठता है। इसके उच्चारण की प्रक्रिया में जब हम विस्तार से देखते हैं, होठों की स्थिति गोल रहती है, ये स्वर उसमें फैले हुए होते हैं और इसका प्रयोग ह्रस्व में भी मिलता है। शब्द की स्थितियों में ये स्वर आता है, जैसे नीचे इसके उदाहरण दिए हुए हैं, आदि और मध्य अंत में इसका जो प्रयोग होता है। लास्ट जो आपका जो स्वर है वो ओ है, जिसका ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम पहले बता चुके हैं। उच्चारण की प्रक्रिया की दृष्टि से इसको जब देखते हैं तो ये पश्च स्वर है, अर्धविव्रत है, दीर्घ स्वर है, इसके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर की ओर उठता है, होठ प्राय गोल रहते हैं, ये दीर्घ स्वर है और संस्कृत में इसको संध्याक्षर की तरह उच्चारण किया जाता है, पर ये हिंदी में इसको जो ऐसा नहीं माना जाता है। इसके और कोर नो, इस तरह के इसके जो उच्चारण मिलते हैं।
जो स्वरों के जो वितरण की जो विशेषता है, जो मैं आपको बता रहा था, आधार जो बता रहा था, उसमें दो हो गए आपके जीभ की ऊंचाई और जीभ के विवरित भाग की दृष्टि से। तीसरा जो उसका आधार है उसको हम बोलते हैं स्वरों के उच्चारण में होठों की स्थिति का आधार, और ये भी एक महत्वपूर्ण आधार है जिसमें स्वरों की पहचान उसके उच्चारण के समय होठों की स्थिति को ध्यान में रखकर की जाती है। इस आधार पर मुख्य रूप से तीन स्थितियाँ मिलती है जो निम्न है। पहली जो है वो अगोलाकार, जिसमें गोल नहीं होते हैं, होठ उदासीन रहते हैं या फैले हुए रहते हैं। एक गोल स्थिति होती है जिसमें गोल होते हैं, एक उदासीन होती है जिसमें बिल्कुल ना फैले हुए होते हैं ना गोल होते हैं, बल्कि वो एक न्यूट्रल स्थिति में होते हैं। और ऐसी स्थिति में जो होती है ये जो स्वरों का जो उच्चारण होता है वो उदासीन होता है। चौथा जो इसका जो टाइप है, चौथा जो इसका जो भेद है स्वरों के उच्चारण से संबंधित, उसको हम बोलते हैं कोमल तालु और अलजिव्या की स्थिति के आधार पर। इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें पाते हैं कि कोमल तालु और अलजिव्या जब ऊपर की ओर खिंच जाते हैं तो नासिका विवर का मार्ग बंद हो जाता है, जिसके कारण संपूर्ण प्राणवायु मुख विवर से होकर निकलती है, जो स्वरों के उच्चारण की एक सर्वमान्य प्रक्रिया है। किंतु दूसरी स्थिति में कोमल तालु अलजिव्या थोड़े नीचे की ओर झुक जाते हैं, जिसमें वायु मुख विवर से ना निकल के नासिका विवर से होकर निकलती है। इस स्थिति में उच्चारण जो होती है वो अनुनासिकीकरण की स्थिति होती है, और जैसे जो स्वर जो होते हैं उसमें अनुनासिकीकरण की स्थिति है, जैसे सांप, ऊंट, ईंट, ये इस तरह के जो स्वर होते हैं इसको हम अनुनासिक स्वर बोलते हैं। मीन्स जो इसकी जो उच्चारण की जो प्रक्रिया है वो उसमें कोमल तालु और अलजिव्या जो कोवा होता है, जो उसका एक मांसपिंड जो जैसा होता है, उसकी स्थिति की वजह से, उसके पोजीशन के बदलने की वजह से, पर मैंने फिर मैं कहूँगा कि वो घर्षण की स्थिति नहीं होती है, वो अवरोध की स्थिति नहीं होती है, बल्कि वो पाथ को सकरा कर सकती है, ऐसी स्थिति में ही उनका उच्चारण होता है। पांचवा जो इसका जो प्रकार है, भेद है, वो ये है कि इसमें जो है स्वरतंत्रियों की स्थिति के आधार पर भी इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि स्वरतंत्रियों की 5-6 स्थितियाँ होती है, ऐसी स्थितियों में हम देखते हैं तो पाते हैं कि स्वरतंत्रियों की स्थितियों को ध्यान में रखकर स्वरों की पहचान और उनको परिभाषित किया जा सकता है। स्वरतंत्रियाँ जब ढीली होती है, एक दूसरे को छूती हुई होती है, तो प्राणवायु के धक्के के कारण उनमें तीव्र कंपन होता है। ये कंपन घोषत्व के का मूल है। स्वरों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों की यह अवस्था होती है जिसे सभी स्वर घोष माने जाते हैं। हिंदी के सारे जो स्वर हैं वो घोष माने जाते हैं। अंतिम जो आपकी जो इसकी जो विशेषता है वो मांसपेशियों में तनाव की स्थिति के आधार पर इसका एक वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि स्वरों के उच्चारण के समय यदि मांसपेशियों में तनाव अधिक होता है तो स्वर को दृढ़ कहा जाता है। स्वरों के उच्चारण के समय यदि तनाव कम होता है तो उसको शिथिल कहा जाता है। और हिंदी के सभी जो स्वर हैं वो हिंदी के सभी ह्रस्व स्वर जो है वो शिथिल है। अनुनासिक जब किसी स्वर के उच्चारण में कोमल तालु के ऊपर नीचे झुककर फेफड़ों से निस्तृत वायु के कुछ अंश को नासिका विवर में से होकर बाहर निकालने देता है, जिसके फलस्वरूप स्वर अनुनासिक हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी उदाहरण में बताया था ईंट, ऊंट, इस तरह के जो उदाहरण है वो अनुनासिक स्वरों के हैं। इस प्रकार वायु मुख विवर के साथ साथ नासिका विवर से भी निकलने के कारण स्वरों में अनुनासिकता का समावेश हो जाता है, जिसे हम चंद्रबिंदु के द्वारा अंकित करते हैं। ये ध्यान देने की बात है, जिसको हम आगे की क्लासेज में आपको जो शुद्ध शुद्ध में जब बताएंगे तो इसको आप लेखन की दृष्टि से हिंदी में अक्सर ये देखा गया है कि हिंदी में जो है बिंदु छूट गया है और चंद्र रह गया है। ये लेखन की दृष्टि से बहुत बड़ी त्रुटि है, इस त्रुटि को आप लोगों को सुधार लेना चाहिए। इस त्रुटि में अगर आप देखेंगे तो कई बार मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं। एक मेरा दोस्त था जब मैं एमए कर रहा था, प्रदीप शर्मा उसका नाम था, तो उसने आईएएस का एग्ज़ाम दिया और आईएएस के एग्ज़ाम में उसने क्या किया, इंडिया टुडे उस टाइम पे काफ़ी अच्छी मैगजीन मानी जाती थी, आईएएस की दृष्टि से पढ़ते थे, तो उसमें पूर्ण विराम के लिए जो हम खड़ी पाई के रूप में लिखते हैं वो डॉट, अंग्रेजी का डॉट इस्तेमाल करता था। जब मैंने उसे कहा, मुझे कहा, तो उसका जो उस चांस में जो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, एक दिन मेरे पास आया, यार हिंदी में यार मुझे कुछ हेल्प कर, तो मैंने कहा, मैंने कहा यार तू मुझे लिख करके बता, तो उसने पैरोग्राफ लिख के बताया तो सब जगह डॉट लगा हुआ था। तो मैंने कहा हिंदी में अगर कोई मेरे जैसा एग्जामिनर होगा तो आपको वैसे ही नंबर नहीं देगा, तो फिर बाद में आप यकीन कीजिए उसने इस डॉट की जगह पर खड़ी पाई का इस्तेमाल पूर्ण विराम के रूप में किया, और पूर्ण विराम के रूप में आपको यकीन करेंगे
उसके पिछले वाले चांस से कम नंबर होने के बाद जो हिंदी में और अच्छे नंबर आए और उसको जो आईपीएस मिला वो तमिलनाडु में आईपीएस। तो हिंदी में इस तरह की जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे आपने चंद्रबिंदु को जो है चंद्र बिना दिया, बिंदु छोड़ दिया, जैसे आप उसमें देखेंगे कि आपने अनुस्वार और अनुनासिकता को बिल्कुल खो दिया, आप सब जगह जो है अनुस्वार का प्रयोग करने लगे जो कि पंचम वर्ण माना जाता है, ऐसी जो त्रुटियां हैं उसको संशोधन आप आपके सामने साथ आगे की क्लासेज में करेंगे, पर ये जो त्रुटियां हैं इसको आपको ठीक कर लेना चाहिए। संवेद रूप से निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि स्वरों के उच्चारण की जो स्थिति है, स्वरों में जिन मात्राओं को ऊपर मात्राएँ रहती है उनके साथ चंद्रबिंदु के स्थान पर बिंदु का ही प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर चंद्रबिंदु लिखेंगे तो अगर मान लीजिए मात्रा अगर ऊपर आ रही है तो ये फिर यहाँ पे बिंदी हो जाए। प्रयोग करके लेखन की कठिनाई से मुक्ति पाई जाती है। वैसे अनुस्वार नासिक व्यंजनों का ही प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ईश्वर के उच्चारण में कोमल तालु अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहकर वायु के प्रभाव को मुख विवर की ओर जाने देता है तो ये निर्नासिक स्वरों के निर्माण की स्थिति होती है और आधुनिक भाषा विज्ञान की दृष्टि से उपयुक्त सभी स्वर अर्धभेदकता के आधार पर स्वनिम कहलाएंगे। और ये जो चंद्रबिंदु और उसकी जो स्थिति है जिसको हम अनुनासिकता की और निर्नासिकता की स्थिति के कहते हैं उसके आधार पर जो है उसको सबको स्वर माना जाता, स्वनिम माना जाता है। अब आपको आखिर में मैं जो आपको जो क्लास की बात कर रहा था ये एक चार्ट में आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो आपके जो कोर्स से संबंधित जो प्रश्न है वो ये आपका डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्वर और कौन सा व्यंजन पहले आता है और उसके लेखन की प्रक्रिया कैसी है। ये इस आधार पर आप देखेंगे तो ये हमने इसको आईपीए में लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी नहीं है, ये अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी में ये ऊपर लिखा हुआ है, ये जो है ये आईपीए है नीचे वाला, इसको इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट बोलते हैं और डिक्शनरीज में जो काम आता है उच्चारण जो किसी शब्द का दिया होता है तो ये नीचे वाला जो आईपीए का जो लेखन है इसी में होता है। ये जो ऊपर वाली जो स्थिति है ये जो है आपकी रोमन की स्थिति है और ये देवनागरी लिपि की स्थिति है। तो आप इसकी जो व्यवस्था है उसको आप ठीक से समझ सकते हैं और आप अपने आने वाले एग्जाम्स में जो त्रुटियाँ करते हैं उससे बच सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में फिर किसी दूसरे बिंदु के साथ किसी दूसरे पॉइंट के साथ हम आप दोबारा रूबरू होंगे। आपने इस व्याख्यान को सुनने के लिए समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।